देखिए, आज सुबह 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक बच्ची की एक डेड बॉडी को बरामद किया गया है। सूचना प्राप्त होने के 20 मिनट के अंदर मुफस्सिल थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और परिजनों से पूछताछ पर पता चलता है कि शुरुआती दौर में बच्ची का सांस चल रहा था, लेकिन जब डॉक्टर के पास बच्ची को ले जाया जाता है तो वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। परिजनों को कुछ अनहोनी की भी आशंका है। हम लोग बच्ची की पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और वो भी मेडिकल बोर्ड गठन करके करवाया जा रहा है। FSL की टीम को भी बोला गया है, FSL की टीम को आने में थोड़ा विलम्ब है और डॉग स्क्वाड की टीम कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। मिलाजुला के पुलिस जो है सारे बिंदु पर जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी निकल के सामने आता है, घटना का कारण क्या रहा, वो सब जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। के बाद हत्या की बात परिजनों के द्वारा, देखिए ये सारा कुछ जो है अनुसंधान का विषय है। अभी बच्ची की डेड बॉडी मिली है और प्रथम दृष्टया कुछ भी कह पाना अभी तत्काल संभव नहीं है, तो पोस्टमार्टम के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, लोगों में स्वाभाविक आक्रोश था, लोगों को समझाने बुझाने के बाद फिर जाम को हटा लिया गया है। अभी आवागमन सुचारू रूप से चालू है, अभी विधि व्यवस्था भी सामान्य है। हाँ, गठित हुई है, 4 डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा।